हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज रमन एंड यू आर वाचिंग सोलर फैक्ट्स। सो आज का हमारा जो टॉपिक है, ये बहुत सारे लोगों ने कमेंट करके हमसे ये इस टॉपिक पे वीडियो बनाने के लिए बोला था। सो उसी टॉपिक पे आज का ये हमारा वीडियो है। सो आज का हमारा वीडियो है, जैसा कि आप टॉपिक पढ़ पा रहे होंगे, कि साइजिंग ऑफ एसी केबल की साइज क्या होती है, एसी केबल का साइज और उसमें होने वाला वोल्टेज ड्रॉप को हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। सो देखिए, किसी भी केबल को सेलेक्ट करने से पहले मैं दो तीन चीजें बताना चाहूंगा। सो कभी भी अगर आपको कोई भी केबल सेलेक्ट करना है किसी भी इंडस्ट्री के अकॉर्डिंग या किसी भी लोड के अकॉर्डिंग, तो आप कभी भी उस लोड का करंट कैलकुलेट करके उस केबल को डिसाइड मत करिए, क्योंकि केबल को डिसाइड करने के लिए बहुत सारे ऐसे पैरामीटर्स होते हैं जो हमको ध्यान में रखने होते हैं, कि हमको ऐसे कौन कौन से पैरामीटर्स को कंसीडर करना है जब भी हम किसी केबल को सेलेक्ट कर रहे होते हैं। तो अगर यहाँ पे देखेंगे सिलेक्शन ऑफ केबल्स में क्या लिखा हुआ है कि मैक्सिमम ऑपरेटिंग वोल्टेज, तो सबसे पहला पॉइंट आता है कि आपका जो भी केबल है या इंडस्ट्री है उसमें मैक्सिमम ऑपरेटिंग वोल्टेज कितना जाता है, तो आपका केबल उस पर्टिकुलर वोल्टेज को बियर करने वाला होना चाहिए, सो दैट कि आप वहाँ पे जो भी केबल लगाएंगे वो इजिली आप चला पाए एक लॉन्ग टाइम तक। उसके बाद आता है ये फॉल्ट लेवल, जो आप केबल लगाने जा रहे हैं उस इंडस्ट्री का फॉल्ट करंट कितना हो सकता है किसी भी टाइम पे, और क्या आपका जो केबल आप लगाने जा रहे हैं उसका फॉल्ट का करंट उतना है कि नहीं है। अगर वो उतना नहीं है तो ऑब्वियसली बात है कि आपका जो वायर जो आप लगाने जा रहे हैं वो वहाँ पे सस्टेन नहीं कर पाएगा। उसके बाद आता है कि लोड टू बी कैरीड, जो भी आपने लोड लगाया हुआ है उसके इंडस्ट्रीज के अंदर, जो वायर सेलेक्ट किया हुआ आपने, वो वायर आपका उतना लोड ले पाएगा या नहीं ले पाएगा। उसके बाद आता है कि रूट लेंथ एंड वोल्टेज ड्रॉप। देखिए, रूट लेंथ एंड वोल्टेज ड्रॉप अगेन हमारे टॉपिक से रिलेट कर रहा है कि आपका रूट लेंथ कितना है, आप कितने मीटर उसको मूव करना चाहते हैं हमारी केबल को, या कितने किलोमीटर मूव करना चाहते हैं, और उस मीटर और उस पर्टिकुलर किलोमीटर में आपको वोल्टेज ड्रॉप कितना देखने को मिलता है। सो ये भी हम इसमें फाइंड आउट करेंगे, और इस चीज़ों को भी हमें ध्यान रखना होता है जब हम केबल कैलकुलेशन करते हैं। उसके बाद आता है मोड ऑफ इंस्टॉलेशन, मोड ऑफ इंस्टॉलेशन के हम किस तरीके से केबल का इंस्टॉलेशन करने जा रहे हैं, हमारा मेथड क्या है, कि हम उसको एयर में इंस्टॉल कर रहे हैं या हम उसको अंडर द ग्राउंड लेके केबल को जा रहे हैं, तो वो चीज़ें भी हमारे इसमें इफेक्ट करती हैं हमारे केबल कैलकुलेशन के लिए। उसके बाद आता है एम्बियंट टेम्परेचर ऑफ एंड ग्राउंड टेम्परेचर, एम्बियंट टेम्परेचर हमारा कितना है अगर हम इसको ओवर द हेड लेके जा रहे हैं, या ग्राउंड टेम्परेचर कितना है अगर हम उसको अंडरग्राउंड लेके जा रहे हैं, तो ये सारे ये पैरामीटर्स भी हमको देखने होते हैं। उसके बाद आता है केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल, तो सॉइल जहाँ पे हम अपने केबल्स को अंडरग्राउंड करने जा रहे हैं उस सॉइल की प्रॉपर्टी क्या है, उसका केमिकल और कंपोजिशन और फिजिकल प्रॉपर्टी उसका क्या है, वो भी हमें चेक करना होता है। सो देखिए, अभी हम क्या करते हैं, इतने सारे पैरामीटर्स जैसे मैंने आपको बता दी, तो ये सारी चीज़ें भी हमारे केबल्स को डिफाइन करने के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होती है, तो इन पैरामीटर्स को हम निगलेक्ट नहीं कर सकते। सो तभी मैं बोल रहा था आपको कि केबल आपको लोड करंट निकाल के अगर आप केबल का सिलेक्शन करते हैं तो कहीं ना कहीं वो केबल आपका गलत सिलेक्टेड है, ये सारे पैरामीटर्स को भी आपको ध्यान में रखना होगा। तो यहाँ पे देखिए, मैंने एक न्यूमेरिकल लिया हुआ है, हमने छोटा सा एक इंडस्ट्री बनाया हुआ है, ये लेट्स से कि मैंने एक इंडस्ट्री को बनाया हुआ है। इंडस्ट्री में क्या है कि मेरा 80 किलोवाट का लोड है, इंडस्ट्री का कनेक्टेड लोड 80 किलोवाट है, इंडस्ट्री का पावर फैक्टर है 0.8, डिस्टेंस देखिए 200 मीटर यहाँ पे लिया हुआ है हमने, कि जो मैं केबल लगाऊंगा सो उसका स्टार्टिंग पॉइंट टू एंड पॉइंट का जो जितना डिस्टेंस है दैट इज 200 मीटर का रनिंग हमारा केबल है। सिस्टम का वोल्टेज है 415 वोल्ट है। डिमांड फैक्टर का मतलब होता है कि जो आप लोड देंगे वो कंटिन्यूअसली चल रहा है नहीं चल रहा है, सो डिमांड फैक्टर इज 1, हमेशा 1 लेते हैं केबल कैलकुलेशन के केस में, आप कम ज्यादा भी ले सकते हैं इंडस्ट्री के हिसाब से, बट बेसिकली डिमांड फैक्टर का मतलब होता है कि उस इंडस्ट्री के अंदर मैक्सिमम कितना डिमांड आपका जाने वाला है, लोड का कितना परसेंटेज आपका चलेगा। सो अभी मैंने 1 ले लिया, इट मींस कि अगर 80 किलोवाट के लिए कैलकुलेट करूं, इट मींस कि टोटल 80 किलोवाट मेरा रनिंग में है। उसके बाद आता है वोल्टेज ड्रॉप। देखिए, कभी भी आप अगर वोल्टेज कैलकुलेट कर रहे हैं तो आप ये ध्यान में रखिए कि आपका जो वोल्टेज ड्रॉप होना चाहिए वो 5% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो अब आ जाते हैं कि हम कैलकुलेशन पे आ जाते हैं। तो आपने अगर मेरा प्रीवियस वीडियो देखा होगा तो मैंने ये करंट कैसे हम कैलकुलेट करते हैं 3 फेज में, वो मैंने आपको पूरा करके डेरिवेशन करके इसको निकाला था। तो यहाँ पे मैंने डायरेक्टली फॉर्मूला रखा हुआ है, फॉर्मूले में हमने वैल्यूज रख दी है। तो IL इज इक्वल टू P डिवाइडेड बाय √3 VL cos phi। तो P की वैल्यू कितना है मेरा 80 किलोवाट का लोड है, तो 80 मल्टीप्लाइड बाई 1000 डिवाइडेड बाई √3 को हम लिख सकते हैं 1.732 इंटू वोल्टेज का 415 वोल्ट जो यहाँ पे लिखा हुआ है एंड पावर फैक्टर 0.8। तो यहाँ से हमने क्या कर लिया, करंट कैलकुलेट कर लिया 138.12 एम्पियर। तो यहाँ पे अगर आप देख रहे हो तो IL की वैल्यू कितनी आ गई 139.12 एम्पियर। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि 80 किलोवाट के लिए मेरा लोड करंट आ गया। अब जैसे मैंने आपको बताया कि इतने सारे पैरामीटर्स भी हमको ध्यान में रखना होता है, ये सारी वैल्यूज जो होती है इनको बोलते हैं के फैक्टर। तो अब हम देख लेते हैं कि हम के फैक्टर को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। के फैक्टर्स को कैलकुलेट करने से पहले ये समझ लेते हैं कि के फैक्टर्स होते क्या हैं। सो के फैक्टर्स आर बेसिकली कुछ ऐसे पैरामीटर्स होते हैं जो हम केबल डिजाइनिंग के टाइम पे उन पैरामीटर्स को हमें ध्यान में रखना होता है, जो हम एक राइट वायर सिलेक्शंस के लिए या राइट केबल सिलेक्शंस के लिए हमें उन पैरामीटर्स को कंसीडर करके हम एक सही केबल को सेलेक्ट कर सकते हैं। के फैक्टर्स जैसे कि आप मेरे स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, K1 to K7 है। सो K1 इज द एयर टेम्परेचर। सो जब भी हम कभी भी कोई केबल एयर में इंस्टॉल करते हैं तो K1 फैक्टर्स की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी होती है। K1
K2 इज ग्राउंड टेम्परेचर। ग्राउंड टेम्परेचर का मतलब जब हम कोई भी केबल अंडरग्राउंड इंस्टॉल कर रहे हैं तो ग्राउंड का क्या टेम्परेचर है, उस टेम्परेचर के अकॉर्डिंग उस पर्टिकुलर केबल का आपको क्या उसका ग्राउंड टेम्परेचर फैक्टर होगा वो हमें कंसीडर करना होता है। थर्मल रेजिस्टेंस की उसका टेम्परेचर के अकॉर्डिंग हमारे उस केबल का क्या फैक्टर आएगा। सॉइल करेक्शन, हम किस तरीके की सॉइल में इंस्टॉल करने जा रहे हैं उसकी वजह से हमारा सॉइल करेक्शन फैक्टर की वैल्यू क्या होगी वो हम फाइंड आउट करते हैं। केबल डेप्थ भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जितना ज्यादा आप डेप्थ में इंस्टॉल करते हो केबल को उतना ज्यादा आपका केबल जो है एक्स्ट्रा करंट को बियर कर सकता है। इसके बाद K6 आता है कि केबल डिस्टेंस करेक्शन। केबल डिस्टेंस करेक्शन का मतलब होता है कि जब हम एक ही जगह पे बहुत सारी मल्टीपल केबल्स इंस्टॉल करते हैं तो हर एक केबल में जब करंट फ्लो करता है तो एक हीट हीट जनरेट होता है हमारी केबल्स में। सो उस हीट के अकॉर्डिंग हम हमारे केबल्स की डिस्टेंस क्या है उस डिस्टेंस को अगर हम फाइंड आउट कर लेते हैं तो हम हमारे पास जितनी भी केबल्स हैं उसमें कितना मैक्सिमम करंट फ्लो कर सकता है उसको भी आइडेंटिफाई किया जा सकता है आसानी से। K7 इज केबल ग्राउटिंग। सो केबल को किस तरीके से हम ग्राउट कर रहे हैं, तो ये सारे फैक्टर्स कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो हम कभी भी जब हम केबल इंस्टॉल करते हैं तो ये फैक्टर्स को अगर हम कंसीडर करें तो हम एक सही केबल को आइडेंटिफाई कर सकते हैं किस तरीके से कि हमारे इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन के लिए हमारे को किस कौन सी वायर की रिक्वायरमेंट होगी। सॉइल थर्मल रेजिस्टिविटी इज की आप जिस भी जगह पे आप अपना केबल इंस्टॉल करने जा रहे हैं उस सॉइल का रेजिस्टिविटी क्या है। सो मोस्ट ऑफ द प्लेसेस पे क्या होता है कि सॉइल रेजिस्टिविटी कई बार हमको नहीं पता होती है। कुछ ऐसे प्रोजेक्ट होते हैं जहाँ पे हमें अदर एप्लीकेशन लाइक हमें स्ट्रक्चर बनाना है तो हमें सॉइल की रेजिस्टिविटी पता करना होता है। तो इसमें मैंने जो ये दो आपको टेबल्स दिख रही हैं तो इन दोनों टेबल्स में अगर आपको सॉइल रेजिस्टिविटी पता है तो आप उसका फैक्टर इस चार्ट के अकॉर्डिंग निकाल सकते हैं। जैसे मैंने आपको यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो सॉइल रेजिस्टिविटी इज 1, तो अगर आपकी सॉइल का रेजिस्टिविटी 1 है तो उसके अकॉर्डिंग K3 यानी कि सॉइल रेजिस्टिविटी फैक्टर जो होगा 1.18 होगा। अगर ये 2 है तो 1.05, 2.5 है तो 1 होगा। इसके अकॉर्डिंग अगर आपको रजिस्टिविटी पता है तो आप ये फैक्टर्स यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। इन केस आपको नहीं पता है और मोस्ट ऑफ द टाइम जब भी आप करेंगे तो बहुत सारी जगह पे आपको देखने को मिलेगा कि आपको सॉइल की रजिस्टिविटी नहीं पता होगी, बट हाँ आपको ये आइडिया होगा कि कहाँ पे लगाने जा रहे तो सॉइल किस तरीके का है। तो जिस तरीके का भी सॉइल आपको देखने को मिलता है उसके हिसाब से आप यहाँ से करेक्शन फैक्टर कैलकुलेट कर सकते हो। सो हमने अपने इस इंस्टॉलेशन में देखा हुआ है कि हम जहाँ पे केबल इंस्टॉल करने जा रहे हैं वहाँ पे सॉइल जो है उसका टाइप है डैम सॉइल। तो डैम सॉइल के लिए हमने अपना करेक्शन फैक्टर जो लिया हुआ है 1.05 कंसीडर किया हुआ है। अब देखिए उसके बाद आता है, जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने जो अभी करंट भी कैलकुलेट किया वो हमने करंट इस तरीके से कैलकुलेट किया है कि हमारा जो इंस्टॉलेशन केबल का है वो अंडर द ग्राउंड है। सो अंडरग्राउंड केबल्स में हमारा क्या होगा कि टेम्परेचर के अकॉर्डिंग मेरा फैक्टर क्या हमें लेके चलना है। सो जैसे अगर आपने देखा होगा तो मेरे उस कैलकुलेशन में क्या है कि हमने जो टेम्परेचर कंसीडर किया हुआ है उसको लेट से कि मैंने 35 डिग्री टेम्परेचर कंसीडर किया हुआ है, तो 35 डिग्री टेम्परेचर के लिए मेरा क्या होगा जो मेरा टेम्परेचर का फैक्टर है, यानी कि अगर आप यहाँ पे देखेंगे ग्राउंड टेम्परेचर फॉर डायरेक्ट बरीड केबल्स का मतलब होगा कि सीधे मैंने कोई भी केबल नहीं बनाया है, डायरेक्टली हमने केबल को नीचे हमने बिछा दिया है, डिगिंग करके हमने उसमें सीधे केबल डाल दिया है। उसके लिए मेरा जो अंडरग्राउंड केबल का जो टेम्परेचर कॉफिशियंट होगा वो होगा मेरा 0.96। तो ये वैल्यू हम यहाँ से फाइंड आउट कर लेंगे। उसके बाद आप अगर देखेंगे तो यहाँ पे एक फैक्टर लिखा हुआ है, दैट इज डेप्थ ऑफ लेइंग, मतलब हमने अपनी केबल को कितने डेप्थ में हमने इंस्टॉल करना है। तो मेरे उस न्यूमेरिकल में जो अभी मैं आपको कैलकुलेशन जिसकी करंट की कर रहा था उसमें हमने केबल इंस्टॉल किया है 1 मीटर की डेप्थ पे। तो अगर आप इस चार्ट में देखेंगे तो 1 मीटर के बाद हमारा क्या रहा है 1050, यानी कि 1.05 मीटर। 1.05 मीटर पे हमारा जो केबल है, आपको भी पता है कि हमारा जो केबल हमने सेलेक्ट किया हुआ है वो आएगा मेरा 70 स्क्वायर mm 4 कोर। सो 70 स्क्वायर mm 4 कोर के लिए जो मेरा मल्टी कोर का करेक्शन फैक्टर होगा दैट वुड बी 0.96। तो ये वैल्यू हमको यहाँ से मिल जाएगी। ये जो भी वैल्यूज मैं आपको दिखा रहा हूँ ये आप किसी भी केबल मैन्युफैक्चरर का डिटेल डेटा शीट अगर आप लेके चेक करेंगे तो आपको ये इजिली देखने को मिल जाएगा। नाउ अब बात आती है कि केबल्स के अंदर हमारा क्या होगा कि हमारा रजिस्टेंस होता है और एक रिएक्टेंस होता है। ये रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस क्या होता है कि देखिए जब भी आप कोई भी केबल कैलकुलेट करते हैं तो आपको ये भी देखना होता है कि आपने जिस भी पर्टिकुलर केबल को सेलेक्ट किया है ऐसा तो नहीं कि लॉन्ग रन पे उसमें बहुत ज्यादा ड्रॉप आ जाएगा वोल्टेज का। तो वोल्टेज के ड्रॉप को कैलकुलेट करने के लिए आपको अपनी केबल जो भी आप सेलेक्ट करने जा रहे हैं उसका रेजिस्टेंस पता होना चाहिए और रिएक्टेंस पता होना चाहिए। सो ये रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस की वैल्यू भी अगेन मैंने वही केबल के डेटा शीट सेलेक्ट की हुई है, तो आप ये भी ले सकते हैं उस केबल के डेटा शीट से। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो 70 स्क्वायर mm है मेरा और एल्युमिनियम केबल मैंने सेलेक्ट किया हुआ है, तो यहाँ पे मेरे को इसके वैल्यूज सारी की सारी वैल्यूज मुझे पता चल जाएंगी कि रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या है। एंड अगर आप रिएक्टेंस की बात करेंगे तो आपको यहाँ से रिएक्टेंस की वैल्यू देखने को मिल जाएगी
रिएक्टेंस की वैल्यू क्या है। तो ये वैल्यूज हमें चाहिए होती हैं, तो ये आपको, आप जो भी केबल सेलेक्ट करने जा रहे हैं उसके डिटेल डेटा शीट से आपको आराम से इजीली मिल जाएगा। उसके बाद देखिए, जो मैंने फैक्टर्स जो इतने भी हमने कंसीडर किए हैं वो यहाँ पे, अगर आपको ये चार्ट दिख रहा होगा, मैं ये वैल्यूज को अगेन वापिस से क्या फैक्टर कैलकुलेट करने के बाद मैं केबल साइजिंग करूंगा। तो ये वैल्यूज हमने क्या निकाला है कि मेरा अंडरग्राउंड था तो ठीक है, एयर में मेरा इंसुलेशन है नहीं, तो एयर का कोई फैक्टर हमने यहाँ पे कंसिडर नहीं किया हुआ। ग्राउंड टेम्परेचर मेरा आएगा 35 डिग्री पे, तो 0.96 जो मैंने आपको वहां पे बताया अभी। उसके बाद थर्मल रेजिस्टेंस हमारा आएगा 0.15, क्योंकि मैंने क्या लिया होता, डैम सोइल लिया होता। मैं आपको वापस से दिखा देता हूँ, अगर आप देखेंगे तो मैंने क्या यहाँ पे क्या लिया हुआ, ये लिया हुआ डैम सोइल, इसका थर्मल रेजिस्टेंस क्या है 1.05। सो 1.05 भी मैंने यहाँ पे कंसिडर किया हुआ है। उसके बाद केबल डेप्थ लिया है मैंने, दैट इज 0.97। ये केबल डेप्थ आपको फिर से मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, केबल डेप्थ में अगर आप यहाँ पे देखेंगे मैंने क्या बोला था कि 1 मीटर ले रहा हूँ, 1 मीटर से ज्यादा ये है, 0.96 आ रहा है। तो मैंने वहां पे क्या कंसीडर किया हुआ, 0.96। अब यहाँ पे क्या किया मैंने, करेक्शन फैक्टर निकाल लिया, तो 0.9776 ये मेरा आ गया करेक्शन फैक्टर। के की वैल्यू आ गई कि जो भी जिस हमारा इंस्टॉलेशन है उसके हिसाब से करेक्शन फैक्टर की वैल्यू हमने यहाँ पे फाइंड आउट कर ली, और रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस की वैल्यू मैंने केबल के डेटा शीट से फाइंड आउट कर ली। अब हम इन वैल्यूज को पुट करके हम अपनी केबल की साइजिंग फाइंड आउट कर वीडियो लेंगे। में देखा कि के फैक्टर हमने क्या कैलकुलेट किया था, के फैक्टर की वैल्यू आ रही थी 0.97776। सो इस के फैक्टर की वैल्यू को हम क्या करेंगे, सिस्टम का फुल लोड करंट जो भी हमने यहाँ से निकाला हुआ है इससे हम डिवाइड कर देंगे। तो आप अगर यहाँ पे देखेंगे तो सिस्टम फुल लोड करंट इज इक्वल टू 139.12 डिवाइडेड बाई 0.97776। तो जब हम इसको डिवाइड कर देंगे तो मेरा IL फुल लोड करंट आ गया मेरा 142.28 एम्पियर, यानी कि मेरा इस इंडस्ट्री के लिए 80 किलोवाट का लोड जहाँ का पावर फैक्टर 0.8 है उसमें हम क्या करेंगे कि हमारा जो मैक्सिमम करंट जाएगा डिमांड फैक्टर सारे कैलकुलेट करने के बाद, ये सारी कंडीशंस को करने के बाद, तो हमारा जो करंट आ रहा है वो आ रहा है 142.28 एम्पीयर। अब क्या होगा कि देखिए, अब आप जब केबल मैन्युफैक्चरर का डेटा शीट पढ़ेंगे तो आपको ये चेक करना होगा कि ऐसा कौन सा केबल है जो आपके इस 142.28 एम्पीयर को बियर कर सकता है। सो आप देखिए मेरे स्क्रीन पे देखिए, सो मैं आपको अपने स्क्रीन पे ये दिखा पा रहा हूँ कि यहाँ पे क्या है कि 70 स्क्वायर mm का जो केबल है वो इजिली हमारा 142.28 एम्पियर को बियर कर सकता है, क्योंकि करंट रेटिंग जो है सीट के अकॉर्डिंग ज्यादा है, इससे ज्यादा है। सो हमने क्या कंसीडर कर लिया है कि हम यहाँ पे 70 स्क्वायर mm का केबल देंगे कस्टमर को। सो आप यहाँ पे देखिए कि देखिए यहाँ पे मैंने क्या लिखा हुआ है कि केबल वुड बी 70 स्क्वायर mm, क्योंकि 70 स्क्वायर mm का जो केबल है वो कितना करंट ले सकता है, 164 एम्पियर करंट ले सकता है ग्राउंड में। सो ये आपको कहाँ से मिल गया, डेटा शीट से जो मैंने अभी आपको दिखाया। सो डेटा शीट से हमें एक चीज क्लियर हो गई कि अगर हम 70 स्क्वायर mm का केबल सेलेक्ट करते हैं तो वो मेरा केबल 164 एम्पियर ले सकता है ग्राउंड में, और बल्कि मेरा करंट कितना आ रहा है 142। तो 142 मेरा एक्चुअल करंट है और मेरा केबल 164 ले सकता है, तो इसके मतलब मेरा 70 स्क्वायर mm का केबल जो है वो बिल्कुल परफेक्ट है। अब सेकेंड चीज आता है कि अब मुझे एक चीज और देखना, देखिए केबल तो इतना करंट ले सकता है जो मेरा करंट की वैल्यू है, लेकिन मैंने जैसे पहले भी आपको बताया कि हमको क्या देखना है, वोल्टेज ड्रॉप भी देखना है, क्योंकि वोल्टेज ड्रॉप मेरा 5% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो अब हमें एक चीज बस चेक करना है कि ये 70 स्क्वायर mm का केबल जो हमने सेलेक्ट किया हुआ है क्या वो 5% वोल्टेज ड्रॉप से ज्यादा तो नहीं हो रहा उस केबल में। तो देखिए वोल्टेज ड्रॉप का यहाँ पे आप एक फॉर्मूला देखिए, वोल्टेज ड्रॉप का फॉर्मूला होता है √3 × Current R cos ∅ + j sin ∅ इंटू केबल का लेंथ मल्टीप्लाइड बाई 100 डिवाइडेड बाई लाइन वोल्टेज इंटू नंबर ऑफ रन इंटू 1000। जो आर यहाँ पे है, आर इज द रेजिस्टेंस ऑफ द केबल एंड जे इज द रिएक्टेंस ऑफ द केबल। तो रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस की वैल्यू आपको आपके डेटा शीट से, जो भी केबल का डेटा शीट है वहां से मिल जाएगा, मैंने उसमें चार्ट में भी लिख रखा था। तो रेजिस्टेंस की वैल्यू इज 0.6 एंड रिएक्टेंस की वैल्यू इज 0.1। सो इस पूरे के पूरे अगर आप फॉर्मूला में देखेंगे तो करंट की वैल्यू मुझे पता है, करंट की वैल्यू इज 139, तो करंट की वैल्यू 139 मैंने पुट कर दी। आर की वैल्यू मैंने वहां से डेटा शीट, केबल के डेटा शीट से ले लिया 0.6, एंड कॉस फाई इज 0.8, साइन फाई की वैल्यू 0.6 आएगी, रिएक्टेंस की वैल्यू 0.1 अगेन डेटा शीट से मिल गया। अब यहाँ पे केबल लेंथ की अगर मैं बात करूँ तो इट इज 200 डिवाइडेड बाई 100 डिवाइडेड बाई, वोल्टेज मेरा कितना है 415 वोल्ट इंटू मल्टीप्लाइड बाई केबल मेरा 1 रन है, तो 1 रन × 100। अब जब इस पूरे कैलकुलेशन को आप करोगे तो यहाँ पे कितना आ रहा है वैल्यू, 6.26, यानी कि यहाँ पे जो वोल्टेज ड्रॉप की वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, 6.26। बट हमारा जो नॉर्म्स बोलता है या हम जो इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज में हम जो फॉलो करते हैं, हम लोग जो रूल फॉलो करते हैं वो ये होता है कि आपका कोई भी केबल जो है उसमें वोल्टेज का ड्रॉप होना चाहिए वो मोर देन 5% नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे कितना हो रहा है, 6.26 हो रहा है, इसके मतलब केबल करंट तो ले सकता है लेकिन इस केबल के अंदर इतना ज्यादा ड्रॉप है कि हम इस केबल को इस पर्टिकुलर लोड के लिए इस इंडस्ट्री में नहीं डाल सकते हैं। तो अब क्या करेंगे, हम इसके ऊपर वाला केबल सेलेक्ट करेंगे। तो इसके देखिए एक रिजल्ट मैंने यहाँ पे लिखा हुआ, इस रिजल्ट में क्या लिखा हुआ, केबल ड्रॉप इज
6.26%, देन इट इज मोर देन 5%। सो ये क्या है कि इट इज मोर देन 5%, 5% से ज्यादा है, तो हम क्या करेंगे, सो वी विल यूज 95 स्क्वायर एमएम केबल। 70 से ऊपर अगर आप केबल देखेंगे तो वो केबल कितनी होगी, 95 स्क्वायर एमएम की होगी। सो यही सेम प्रोसेस हम 95 के लिए भी अगर करते हैं तो अप्रोक्सीमेटली जो हमारा वोल्टेज ड्रॉप आ रहा था वो 2.5 आ रहा था। अगर आप करना चाहें तो आप लोग करके भी चेक कर सकते हैं। सो इस तरीके से हम क्या करते हैं, किसी भी इंडस्ट्री के लिए एसी केबल की कैलकुलेशन करते हैं। होप ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। ऐसे ही टेक्निकल वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड सर्कल में इस वीडियो को शेयर करिए, सो दैट कि आपके दोस्तों को भी ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।